close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. मेरा जो ये पूरा लाइफ का समरी है तो लिखा ये है कि क्या बताऊँ मैं अपनी मुकाम का सफ़र, क्या बताऊँ मैं अपनी मुकाम का सफ़र। उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं, बस यूँ समझ लो यारो, मेरे आंखों में नींद बहुत था मगर सोने का वक्त नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। और मैं भी अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। हम लोग अभी आए हैं, देख सकते हो ग्राउंड, जो कि हमारा जेकेपुर का सबसे इकलौता ग्राउंड है। ऐसा ग्राउंड यहाँ पे मतलब डिफेंस का प्रिपरेशन करते हैं, जो लड़के लोग हैं स्पोर्ट्स के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को यहाँ आते हैं। बहुत सारा चीज़ जो है ये ग्राउंड से लड़के लोग अभी तक पा चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं मेरे दोस्त लोग के साथ। मेरा एक दोस्त आया है आंध्र प्रदेश से, तो बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उसका अभी थोड़ा मैं इंट्रो करवाऊँगा और उसका बारे में थोड़ा जानते हैं वो कैसे मतलब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपना ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कितना मेहनत किया है और किस किस चीज़ को वो मतलब ठुकराया है, और अभी तक वो उस लेवल पर पहुँच गया है कि अभी आराम से वो अपना अच्छा ज़िंदगी जीने वाला है। तो उसके लिए हम लोग दुआओं करेंगे कि वो अपना जो बाकी का जो ज़िंदगी है वो आराम से कटे। और मैं अपना दोस्त को मिलाता हूँ, उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलाता हूँ। मुरली भाई, मेरा आपसे पहला सवाल तो ये है कि आप जब हम लोग दोनों एंट्री किए तो आप जब मतलब ग्राउंड को टच करके जो मतलब स्टेप दिखाए उसका थोड़ा मतलब बोल दीजिए जो भी यूथ आते हैं ग्राउंड। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि एक फौजी के लिए या फिर जो भी फौजी बनना चाहता है उसके लाइफ में ये जो ग्राउंड है, और एक्चुअली सबसे पहला बात एक फौजी के लिए सबसे अच्छे दोस्त जो हो सकते हैं वो सिर्फ दो ही दोस्त हो सकते हैं, एक है पहला किताब, दूसरा है मैदान। क्योंकि सबसे पहला और सबसे ज़्यादा वक्त वो अपना इन दो चीज़ों पर ही देता है। और एक तरफ से हमारे भारत में एक ऐसा कल्चर है जो आपको दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे एक्सट्रीम और सबसे इनक्रेडिबल कल्चर है कि हम अपने मिट्टी को माँ भी बोलते हैं, और हम अपने मिट्टी से इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं कि हम जब भी उस तक पहुंचते हैं या फिर ग्राउंड में आते हैं और ग्राउंड की तैयारी पे जब उतरते हैं तो हम मिट्टी का स्पर्श करते हैं और उस भगवान को, अपने मिट्टी माँ को और अपने देश के प्रति हम उस सम्मान को जताते हैं जो हमें आगे चल कर वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। और इस चीज़ पर बहुत ही अच्छा फील होता है जब हमें लगता है कि हम मिट्टी के प्रति काम कर रहे हैं और हम अपनी मिट्टी से कितना प्यार कर रहे हैं। जितना हम इज्जत अपनी मिट्टी को देंगे और उतना ही सबसे ज़्यादा उससे ही ज़्यादा इज्जत जो है मिट्टी हमें देगी। तो ये एक बहुत ही
बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो मैं ही नहीं आपके इंडिया के जितने भी सोल्जर्स होंगे वो सारे आपको इसी इसी नज़रअंदाज पे मिलेंगे। तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि मतलब जो एस्पिरेंट्स होते हैं डिफेंस के लिए, तो जैसे शुरू कर देते हैं आप तरफ प्लस टू करते हैं या फिर टेंथ के शुरुआत में कर लेते हैं, डिग्री के बाद में भी कोई कोई करता है, तो आपका जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरुआत हुआ था कि हाँ अभी से मुझे डिफेंस के लिए तैयारी कर देना चाहिए? देखिए एक्चुअली मैंने आपके पिछले सवाल में भी मैंने कहा है, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं तो सबसे पहला एज फैक्टर है, हमें उस एज के अकॉर्डिंग चलना है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए एक अच्छा फौजी बनने के लिए या फिर सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर शुरुआती दौर पे ही आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो मुझे लगता है क्लास टेंथ के बाद आप तैयारी कर सकते हैं। क्लास टेंथ के बाद आप रनिंग पे फोकस कर सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम पे फोकस कर सकते हैं। और जो बंदा क्लास टेंथ से अगर शुरुआत कर लेता है ना तो शायद उसे सफलता मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 21-22 की उम्र में उसको आराम से अचीव, हाँ आराम से वो 20 के अंदर भी कर सकता है। वैसे तो लड़के लोग बहुत सारे हैं मेरे जान पहचान में भी जिन लोग अंडर 20 भी कर लिया है, तो मैं आप लोगों से भी मिला हुआ उन लोगों से जो अब मतलब बिफोर 20 जो अचीव कर लिया है, ठीक है। तो मेरा अगला सवाल आपको यही रहेगा कि आप सक्सेस तो हर कोई मतलब तारीफ करता है, सक्सेस मिलने के बाद हर कोई तुमको मतलब हाथ मिलाता है, गले मिलाता है, सब कोई मतलब आपको ये करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा आपका जो फेल्यूर से वो थोड़ा आप मतलब ऑडियंस को शेयर करो, ताकि जो एस्पिरेंट्स फेल्यूर होके जो मतलब मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, जो एक बार गिर गए तो उन लोग सोचते हैं अभी उठने का बहुत मुश्किल होगा बोलते, तो उन लोगों के लिए थोड़ा ऐसा बोलो कि मतलब आपका भी थोड़ा फेल्यूर लाइफ है, तो आप फेल्यूर में कैसे आप मोटिवेट खुद को करके आप अचीव करोगे? देखिए फेल्यूर्स एंड विनिंग ये जो है लाइफ के एक पार्ट्स है, हम कभी इन चीज़ को अलग नहीं कर सकते, और हम जब तक अपने ज़िंदगी में हारेंगे नहीं तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि जीत का असली स्वाद क्या होता है। ये जो शुरुआत मेरा लाइफ का जो शुरुआत रहा है वो 2015 से, मेरी फर्स्ट रैली थी आर्मी की 2015 में, तब मेरी एज थी 16.5, मैं एज से भी बाहर हुआ था और मेरे क्लास टेंथ के मार्क्स से भी। तो तब से लेके अब तक मैं अभी 24 साल का हो चुका हूँ, 24 साल में मैंने सिलेक्शन लिया है। तो इस बीच में मैंने एयरफोर्स वाई के लिए भी तैयार किया था, नेवी MR के लिए भी तैयार किया था, आर्मी में भी बहुत सारे तैयारी किए थे, स्टेट पुलिस में भी तैयारी किया था, जैसे कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ उस स्टेट से। और सबसे दर्दनाक रहा है जो 2018 का SSC GD जिसमें मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, मेरे कुछ मार्क्स कम पड़ गए थे, 2 मार्क्स में मेरिट से बाहर हो गया, तो बहुत ही दुख था, बहुत ही तकलीफ था, ऐसे लगा था कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है ज़िंदगी में इसके सिवा। तो एक फ़ौजी के लिए सबसे ज़्यादा यही दर्दनाक होता है जब उसके वर्दी उससे दूर होता है, तो मुझे बड़ा दुख लगा था कि यार मैं नहीं कर पाया, बड़ा ही तंग है। अब मेरे साथी लोग थे, बहुत लोग हो गए, वो लोग सेलेक्ट हो गए, उनको वर्दी मिल गया, मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने बहुत डीमोटिवेट हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके दुख दर्द में कोई साथ रहे या ना रहे, आपकी माँ ज़रूर साथ रहेगी। तो आज अगर मैं जो भी हूँ मेरी माँ के मोटिवेशन से हूँ, मेरी माँ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि बेटा तू फिर से तैयारी कर, फिर से कोशिश कर, तू ज़रूर होगा इस बार। और सबसे पहला फैमिली का सपोर्ट मेरा बहुत अच्छा रहा, उन्होंने कभी मुझे डीमोरलाइज नहीं किया कि अब तुम काम पर चले जाओ, पढ़ाई मत करो, वो लोग हमेशा मेरे सपोर्टिंग में रहे, और इसी तरह मैं हर प्रॉब्लम को बीट करता गया और शायद इसीलिए आज मैं सेलेक्ट। तो देखिए दोस्तों हमारा जो मुरली भाई है उनका तो आप कहानी सुनते जा रहे हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि एक लोअर मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास भी एक अच्छे होते हैं, इनका स्टोरी तो बहुत ही मतलब ये है, बहुत मतलब दुख की स्टोरी है कि इन लोग लोअर मिडिल क्लास से अपना ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ही मेहनत किए हैं। तो मेरा आपसे अगला सवाल यही रहेगा कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट मिल रहा था, कि मतलब फैमिली में भी उतना कोई मतलब ऐसा आदमी कोई नहीं है कि हाँ मतलब पढ़ाई करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं ये करते हैं, तो फाइनेंशियली आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है और ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आज भी 3 रुपये में पेन मिलता है, हमारा इंडिया ऐसा देश है जहाँ पर आज 20 रुपये में एक कॉपी मिलता है जिसे रफ यूज़ करते हैं। तो पढ़ाई के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है हमारे देश में,
और सबसे पहली बात, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट भी 300 रुपये में मिलता है, जो काफ़ी चीप एंड बेस्ट है। तो मुझे लगता है आने वाले अपकमिंग जनरेशन को थोड़ा अवेयर होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, ताकि हमें कहाँ से अच्छी प्रिपरेशन और बहुत ही कम प्राइस एंड रीजनेबल प्राइस पर मिले, और उस चीज़ के बारे में वो अवेयर हो। और मुझे लगता है कि इसमें कोई फाइनेंशियली कोई इशू नहीं होता है। हाँ, आप अगर बड़े बड़े पढ़ाई वगैरह पे जाते हो वहाँ लग सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, अब जितने भी आजकल के यूथ हैं, मतलब सोशल मीडिया में बहुत सारा एकेडमिक्स वगैरह है, वो मतलब लड़के लोग का यही थॉट होता है कि मतलब यहाँ चले जाने से हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको मतलब पूछ रहा हूँ कि मतलब किसी भी डिफेंस में जाना है तो मतलब एकेडमी वगैरह ज्वाइन करना है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, वो मैंडेटरी है, वो तो नहीं है ना। तो आपका जो प्रिपरेशन हुआ था विदाउट मतलब एकेडमिक और विदाउट कोचिंग सेंटर के बिना आप क्लियर किए, तो उस चीज़ के लिए हमारा ऑडियंस को थोड़ा बोल दीजिए कि विदाउट कोचिंग भी हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी लोग एकेडमी वगैरह में जाते हैं वो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। जिनके लिए थोड़ा तकलीफ है, जैसे उनको कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जिसे वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है तो खुद भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में यही चीज़ रखना है कि हमें कंपटीशन खुद से करना है। सबसे पहली बात वो कुछ लाइनों में मैं कहना चाहूँगा कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का सिक्का चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा मुरली भाई है वो अच्छा शायर भी बोल देते हैं, मतलब मोटिवेशन शायर जो बोलते हैं, जो यूथ के लिए बहुत ही मतलब मोटिवेट कर सकता है, मतलब इंस्पायर कर सकता है। तो मैं ये सवाल आपको इसीलिए पूछा कि जो लोग मतलब एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मनी एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लड़के लोग के लिए यही आप बोलोगे, मतलब विदाउट कोचिंग, मतलब विदाउट कोचिंग सेंटर एकेडमिक बिना जाके भी आप आराम से जो अपना ड्रीम जॉब है वो अफोर्ड कर सकते हैं और आराम से अचीव कर सकते हैं, मेरा पूछने का मतलब है। देखिए, आजकल के ज़माने में YouTube जो है इतना हेल्पफुल हो गया है कोई भी चीज़ के लिए। आप दुनिया का कोई भी उठपटान चीज़ उठाकर YouTube में सर्च मारिए, आपको ढेर सारे उसमें YouTube के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको अगर प्रिपरेशन सच्चे मन से दिल से करना है तो आप जो भी सर्च मारिए आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं उसमें, तो आप सीख सकते हैं। कहीं भी आप ध्यान लगाओगे आपका ध्यान वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, आप जहाँ भी अपना टाइम इन्वेस्ट। सो मेरा आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि मतलब आपका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो प्रिपरेशन में आया है उस चीज़ को आप दो लाइन में हमारा जो दोस्तों हैं व्यूअर्स हैं उन लोग को बता दें शायद से। तो मेरा आखिरी सवाल यही होगा आपसे कि मतलब आपका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो प्रिपरेशन में आया है उस चीज़ को आप दो लाइन में हमारा जो दोस्तों हैं व्यूअर्स हैं उन लोग को बता दें शायद से। ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरा जो ये पूरा लाइफ का समरी है तो लिखा ये है कि क्या बताओ मैं अपनी मुकाम का सफ़र, क्या बताओ मैं अपनी मुकाम का सफ़र, उसे होना चाहिए था इतना भी सख्त नहीं, बस यूँ समझ लो यारो, मेरे आंखों में नींद बहुत था मगर सोने का वक्त नहीं। एक दिखा रहा था जो लड़के लोग प्रिपरेशन के लिए फिजिकल के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यही लड़के लोग हैं। हाय बोल दो गाइस, से हाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर गोल गाइस। और मेरे साथ और एक छोटा भाई है पवन, इसका भी CISF में क्लियर हो गया, इसका इंटरव्यू आप 2 महीने के बाद, इसका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आएगा तो तब देखना, ठीक है पवन, बाय 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 गाइस। तो गाइज़, पूरा वीडियो आप लोग देख चुके होंगे और आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत मोटिवेट करेंगे, और जो इसका बात है मतलब मेरे दोस्त के जो बातें हैं वो बहुत ही आपको मोटिवेट किया होगा। तो जाते जाते बस यही बोलूँगा कि जो भी यूथ है, जो भी मतलब एस्पिरेंट्स है, जो डिफेंस के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, हार मत मानो यार, आप लोगों का जो सपना है वो ज़रूर फुलफिल होगा। अपना जो ये है ड्रीम है उसको अच्छे से मतलब तैयारी करो, दिल से करो, ताकि आप लोग का ड्रीम अच्छे से फुलफिल होगा, ठीक है। अगर वीडियो में नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और जो भी दोस्त लोग हैं उन लोग को भी शेयर करो, ताकि उन लोग को भी थोड़ा अच्छा मोटिवेट फील हो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस।